आलस छोड़ना है और मेहनत करनी है। यहाँ से बिरसा एक नए रूप रंग में ढले। वो दिन में 3 बार स्नान करते, सुबह पीली, दिन में सफेद और शाम में नीली धोती पहनते। उनका व्यक्तित्व तो पहले से ही सुंदर था, इन नए रंगों ने उन्हें और आकर्षक बना दिया। हमें जीवन जीना चींटियों से सीखना चाहिए, वे कैसे अपने दाने को तलाशने और अपने घर परिवार तक पहुंचने का संघर्ष करती, वे मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करके। और स्टैचू लगना काफी फोटो हो, गंगा नगर। ये भगवान बिरसा मुंडा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली, आइडिया उन्हें मृत्यु हो गई। संत रतन जी महान स्वतंत्रता सेनानी, महान लेसर करते शांति के अग्रदूत के रूप में रिकॉर्डिंग करने का देशवासी, पूरा आदिवासी समाज उन्हें पूछता है। उन्हीं के नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि यहाँ एक बड़ा संग्रहालय बने और आदिवासी समाज के वैसे महान भगवान बिरसा मुंडा को लोग जाने, उसके साथ साथ आदिवासी और आदिवासी समाज के ऐसे रणबांकुरों को भी लोग जाने कि वास्तविक रूप से किस तरीके से उन्होंने जल जंगल जमीन की और आत्मनिर्णय की लड़ाई लड़ी और आज़ादी के लड़ाई में उनकी भूमिका रही। तो इसी संग्रहालय को आज हमने निरीक्षण करने के लिए हमारे मंत्रालय के हमारे विभागीय सचिव दीपक खांडेकर जी, हमारे डायरेक्टर अनिल कुमार जी और यहाँ के स्थानीय राज्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमिताभ कौशल सहित पूरे टीम के साथ हम लोगों ने यहाँ निरीक्षण किया, क्योंकि यह एक महत्वाकांक्षी योजना के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह सुनिश्चित किया है कि इसका उद्घाटन जल्द से जल्द होना चाहिए। तो कुछ कार्य हुए हैं और भी कुछ कार्यों के बारे में भी चर्चा हुई है।